Good morning, students. I am Mukesh Kumar from Haveli Public Inter College. आज हम आपको बताएंगे कि 12th क्लास का बोर्ड का फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑल द स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुल. सबसे पहले हम फॉर्म की ओर ध्यान देते हुए ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट कॉलम हमारे फॉर्म भरने का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बेटा आपका विद्यालय का नाम और कोड भरना है, आई मीन कॉलेज कोड और नेम फिल करना है आपको. वो आपको बता रहा फर्स्ट कॉलम. नंबर वन कॉलम में आपको कॉलेज नेम, सपोज दैट किसी स्टूडेंट का नेम नेहा परवीन है तो दिस टाइप से लिखेंगे हम. नेहा एक कॉलम हम ब्लैंक कर देंगे इसमें और परवीन लिखेंगे बेटा यहां से. क्लियर? सेम आपका कॉलम नंबर 6 है तो 6 कॉलम आपका मदर नेम है. सेम टाइप से हमें उसमें बॉक्स बने हुए दिखाई देंगे आपको फॉर्म में. जैसे हमने स्टूडेंट का नेम फिल किया था वैसे ही मदर नेम फिल करना है. सपोज दैट बच्चे की मदर का नाम गुलिस्ता परवीन है, सपोज दैट गुलिस्ता परवीन तो लिखेंगे यहां पे. गुलिस्ता एक कॉलम फिर चेक देंगे इसमें फिर लिख देंगे परवीन. अब आप खुद कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स आपका 7 नंबर पे फादर नेम आपको करना है तो आप सेम टाइप से फादर नेम उसको फिल कर देंगे सेम टाइप से. ओके? अगले क्रम में आपका आता है बेटा नेक्स्ट कॉलम आपका है आपका कॉलम नंबर है 5X1. उसमें आपको हिंदी में नाम आपके फिल करने हैं. एवरी कॉलम आपके जो बने हुए हैं आपको उसमें हिंदी में नाम फिल करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं.
ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये आपका देखा है और इसमें आपको हिंदी में नाम आपके फिगर दिए हैं। जैसे प्रीवियस आपको नाम बताया गया था नेहा, नेहा परवीन, तो नेहा परवीन आपका, नेहा परवीन, इस टाइप से आप हिंदी में नाम एंटर कर देंगे। क्लियर? सेम मदर नेम और सेम टाइप से आपको फादर नेम आपको फिल करना है, आप उसमें श्री या श्रीमती ना लगाएं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कॉलम आता है आपका 8 नंबर पे, आपको इसमें आपको सेक्स कोड बताना है, मेल या फीमेल। तो जो हमारी गर्ल्स हैं वो फीमेल पर टिक करेंगे और जो बॉयज हैं हमारे वो मेल पर टिक कर देंगे। क्लियर? देखते हैं मेरा, ऐसे कॉलम बना हुआ है आपको। जो मेल है यहां टिक करेंगे, जो फीमेल है वो यहां टिक करेंगे। क्लियर? तो जो आप मान लो आपको मेल है तो आप यहां क्रॉस कर देंगे और जो फीमेल है वहां टिक करके यहां क्रॉस कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका टॉपिक नंबर 9 है, आपका कॉलम नंबर 9 सॉरी, आपका जाति कोड दे रखा है बेटा, कैटेगरी कोड। तो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी आप बिलोंग करते हो आप टिक कर देंगे। क्लियर? नंबर टेन कॉलम आपको बेटा मीडियम दे रखा है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी से टिक कर देंगे और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में टिक कर देंगे। क्लियर? उसके बाद आपका आता है 11 नंबर पर विषय वर्ग का कोड तथा नेम। तो आपकी विषय के जो कोड है वो आपको बेटा मैं लिखवा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सब्जेक्ट और कोड आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप देख लेंगे। सब्जेक्ट कोड आप देख लेंगे, फर्स्ट आ जाता आता है आपका जो साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, जनरल हिंदी सब्जेक्ट कोड है इसका 10। नंबर टू आता आपका इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश का 117। 3 आता आपका फिजिक्स, फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है 151। फिर आता आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कोड है 152। मैथ का कोड है आपका 131। बायो का कोड है आपका 153। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके पास जो भी सब्जेक्ट है मैथ या बायो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट कोड अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, इसमें नंबर 20 कॉलम में अब आते हैं, तो 20 में आपको नहीं फिल करना है क्योंकि कृषि विभाग वालों के लिए। नंबर आपका 21 में आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने का बस लिखना है, आपने हाई स्कूल कब किया था वो लिखना है और आप किस बोर्ड से आपने किया था वो लिखना है और आपका जो रोल नंबर था हाई स्कूल में वो आपको कॉलम नंबर 21 में फिल करना है। ठीक? अब कॉलम नंबर 22 आपको अपना आधार कार्ड फिल करना है स्टूडेंट्स, अपना आधार कार्ड नंबर। और कॉलम नंबर 23 में आपको अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप वाला वो आपको फिल करना है। इस प्रकार आपको जो पूरा फॉर्म बेटा ये फिल हो जाएगा। एक बात और ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट को, आपको फोटो पेस्ट करना है, वो इतना बड़ा पेस्ट करना कि इस कॉलम से बाहर ना जाए। फॉर्म के राइट साइड में आपको जो फोटो पेस्ट करना है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, जो अपने कॉलम के अंदर आ जाए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस।